बुरहानपुर जिला चिकित्सालय में नर्सों की घोर लापरवाही सामने आई है। प्रसूता वार्ड में प्रसूता के परेशान होने की खबर सामने आई है। ड्यूटी के समय नर्स पर मोबाइल पर व्यस्त होने के आरोप लगे हैं। वहीं ड्यूटी डॉक्टर सुरभि शाह पर ड्यूटी से नदारद होने के आरोप लगे हैं। मतलब आपका आरोप है कि सिस्टर ने ध्यान नहीं दिया, आपको ऑपरेशन थिएटर तक नहीं ले गए? नहीं। ऐसे में क्या हुआ? वो बोल रहे थे कि बस अपने आप ही करो और उसके बाद वो फिर अपने आप कैसे करेंगे, तो इसलिए वो एक दादी थी, उन्होंने उनको फादर आया था, उन्होंने करके दिया, उन्होंने डिलीवरी करके दिया। बच्चा कहाँ पे हुआ? ऑपरेशन थिएटर में या जहाँ भर्ती थे आप वहाँ? नहीं, जहाँ रूम में भर्ती थे ना वहाँ पे। इसमें लापरवाही किसी की है? हाँ, वो नर्स की है ना, इसलिए तो मैं रूम में हो गई। क्या चाहते हैं? आपकी कार्रवाई होना चाहिए। हमें ना रात को 1 बजे आई मैं छाती को लेके, तो वो मैडम में तो सुन ही नहीं रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। कितने बजे आए थे आप और कितने बजे? 1 बजे आए थे। अच्छा, आपने नर्सों को बोला बार बार कि आप? हाँ, नर्सों को बोला हमने बार बार कि आके देखो देखो, वो कोई नहीं आई। आखिर क्या हुआ फिर? नहीं आए तो फिर नहीं आए थे। टाइम पाई थी ना, उसको हमने पैसे दे के फिर उससे हमने डिलीवरी कराई और वो बेड पर ही हो गए। अंदर पत्नी को लेके आए तो नर्सों के लिए, नर्सों के पास में हम गए कि भाई वो पत्नी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको देख लो, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई देखा नहीं। तो मेरी जो सास थी, वो सास उनको बार बार बोलती थी, वो कैमरे में भाई का दिख रहा है, कैमरे में भी दिख रहा है, मेरी सास बार बार दौड़ दौड़ के जा रही है कि भाई देखो कोई मदद करो, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करी। तो वहाँ पर एक पलंग है, पलंग के ऊपर बीबी को लिटा दिए थे उन्होंने, तो वही उनको प्रसव हो गया। मतलब ऑपरेशन थिएटर तक वो नहीं पहुँच पाए? नहीं, वहाँ तक के नहीं पहुँचे, उन्होंने किसी प्रकार का कोई सहयोग ही नहीं किया। कुछ पैसे की मांग भी की गई थी? पैसों की भी मांग की गई थी और वो जो कुछ पैसे मांगे गए थे तो कुछ मेरे दीदी के द्वारा पैसे दिए गए थे और कुछ बाहर की महिला थी, फिर उन्होंने भी कुछ पैसे की मांग करी। कितने पैसे मांगे थे, कितने दिए? 500 रुपये की मांग की थी और भी 200 रुपये से लिए गए थे। ये रात की घटना है, ये जो लापरवाही सामने आई है, इसमें 2 सिस्टरों का नाम और 2 आया भाइयों के नाम आए हैं। रात में बेड पे डिलीवरी हो गई, सिस्टर उसको देखने नहीं आई, बुलाया गया तो भी नहीं आई, ऐसी बात सुनने में आई है। और उन 2 सिस्टरों और 2 आया भाइयों के खिलाफ हम कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं और CCTV कैमरे हम दिखवा रहे हैं, पैसे लेते हुए इसने पैसे लेने की भी घटना सामने आई है, इसकी हम जांच करवाते हुए जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ। सर, आप 2 से 3 शिकायतें पैसे लेने वाली और टाइमिंग को लेके भी कुछ समस्या है कि जो डिलीवरी एक्चुअल टाइम है वो दर्ज नहीं हुआ है? जी जी, बिल्कुल, ये शिकायतें जो सामने आई हैं इसकी पूरी जांच करवाएंगे। 2-3 घटनाएँ पैसे लेने की भी सामने आई हैं और ये टाइमिंग को लेकर कुछ शिकायत आई है, इसको हम दिखवाते हैं। क्या शिकायत, टाइमिंग को लेकर शिकायत क्या है? अटेंडेंट कह रहा है कि बच्चा 4 बजे हुआ है और जो रजिस्टर में 4:10 दर्ज है, इसकी हम जांच करा के इसको सही करवाएंगे। कल रात में मैं स्वयं इस पेशेंट के साथ में मौजूद था और 1:30 बजे करीब जो है हमने 1:30 बजे करीब उसको भर्ती किया था। यहाँ की जो सर्जन है उन्होंने भी आके यहाँ बोला था सिस्टर को, उसके बाद में यहाँ पे जो RMO है उन्होंने भी आके ताकीद किया था कि मरीजों का व्यवस्थित ध्यान रखें। उसके बावजूद यहाँ पे पेशेंट जो है चिल्लाती रही, तड़पती रही और उसके बाद भी जो है यहाँ की जो सिस्टर थी दो, वो लेबर रूम में बैठ के केवल मोबाइल खेलती रही और जो पेशेंट थी, प्रसूता थी, उसकी डिलीवरी जो है बेड के ऊपर वार्ड में हो गई। बहुत शर्म की बात है, ये खुद एक जो है महिलाएं, दोनों नर्सें, उसके बाद भी एक महिला का दर्द नहीं समझ रही हैं और उसके बावजूद जो है यहाँ पे एक आया भाई थी जिन्होंने जो है उस पेशेंट से 200 रुपये तक के मांगे क्या लिए हैं, छीन लिए बोलना चाहिए कायदे से। और भी पेशेंटों से बात हुई है, उनका भी बहुत संगीन आरोप है कि यहाँ बच्चा तक रख लेते हैं और पैसे नहीं, जब दो तो बच्चा भी नहीं देते। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।